ये रामचरितमानस कोई सामान्य चीज नहीं है, ये ब्रह्म विद्या है, ये कोई साधारण चीज नहीं, कोई किस्सा कहानी नहीं है। और ये बात आपको समझनी पड़ेगी। गीता हमारे सनातन में कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है आपको बताने की जरूरत नहीं है। महाभारत का अंश व्यास जी ने लिखा है, गीता का उपदेश भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से दिया, किसको? अर्जुन को। कहा? युद्ध भूमि में। लोभ के कारण, काम के कारण, क्रोध के कारण, अहंकार के कारण, रजोगुण में उत्कर्ष के कारण भाई भाई के अंदर ऐसी दीवार खड़ी हो गई, युद्ध को कोई अब टाल नहीं सकता था। पांडवों के साथ क्या हुआ मैया? छल से जुआ में उनको हराया गया, 12 साल का वनवास दिया गया, 1 साल का अज्ञातवास दिया गया, सब सहन करके लौटे तो लोगों ने कहा भैया जो हुआ सो हुआ, जुआ में हारे तो हारे, द्रौपदी का अपमान हुआ तो हुआ, 12 साल का वनवास हुआ तो हुआ, 1 साल का अज्ञातवास भी हुआ तो हुआ, अब तो आ गए, अब तो आधे के हिस्सेदार हैं, भाई हैं, दे दो। दुर्योधन ने कहा नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा, 1 इंची जमीन नहीं दूंगा, आधा तो छोड़ दो। सब समझा करके हार गए, भगवान स्वयं दूत बन करके गए, संदेश पांडवों का लेकर के गए। संदेश क्या था? रख तू पूरा, 5 गांव दे दे जीने खाने के लिए, तो दे दो केवल 5 ग्राम। राष्ट्रकवि दिनकर कहते हैं, लिखते हैं, ये प्रस्ताव था, दे दो बस केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परजन परस न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। महाभारत हुआ कि नहीं? लेकिन देखो एक बात दुर्योधन की बड़ी अच्छी लगती है, वैचारिक दोगलापन नहीं है उसमें, कपट नहीं है, प्रपंच नहीं है, झूठ नहीं, बात खरी खरी बोलता, नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, बिना युद्ध के नहीं दूंगा, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है उसका, सीधा बोलता है। भगवान ने कहा भाई हैं कि नहीं पांडव? हाँ हैं। तो आधा के हिस्सेदार हैं कि नहीं? हैं। तो तुम दे नहीं रहे हो आधा, तो ये पाप है कि नहीं? कहा कि पाप है। अधर्म है कि नहीं? तो अधर्म है। तो तू जानता है कि ये पाप है, अधर्म है, तो तू ऐसा कर क्यों रहा है? दे दे। क्या सुंदर श्लोक है, क्या बोला है। कहा केशव हमको धर्म धर्म मत सिखाओ, पाप पुण्य मत सिखाओ, हम भी पांडवों की तरह वेद शास्त्र पढ़े हुए हैं, धर्म का ज्ञान है, अधर्म का ज्ञान है, पाप का ज्ञान है, पुण्य का ज्ञान है, कर्तव्य अकर्तव्य का भी ज्ञान है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी मर्यादा का हमको ज्ञान है, तब तू ऐसा कर क्यों रहा है? उसने कहा कि जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति। यहां से उठाना है तो उठा, जानता हूं कि क्या धर्म है लेकिन उसमें रुचि ही नहीं है, जानता हूं कि क्या अधर्म है लेकिन उसी में मन लगता है। हमारी हालत ऐसी नहीं है क्या? हम जो करते हैं जानते हैं कि ये गलत है, ये पाप है, ये अनुचित है, नहीं करना चाहिए,
लेकिन मन है कि वहीं लेकर के जाता है। जानते हैं गलत है, गलत कर रहे हैं, हम अज्ञान में नहीं कर रहे हैं। चोरी करना गलत है, गलत कर, अन्याय करना गलत है, गलत कर, शोषण करना गलत है, गलत कर रहे हैं, क्रोध करना गलत है, काम गलत है, अमर्यादित काम गलत है, लेकिन हम कर रहे हैं। दुर्योधन ने साफ कहा, केशव हमको ज्ञान का उपदेश मत दो, धर्म और पाप पुण्य का उपदेश मत दो, मुझे मालूम है क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, लेकिन मेरा मन जो है ना इतना बिगड़ा हुआ है, वो धर्म में लगता ही नहीं, वो पुण्य में लगता ही नहीं, वो पाप ही की तरह भागता है, तो मैं क्या करूं। अब यहां से हमको कैसे उठाओगे, देख लो, मैं यहां हूं। जैसे मैंने संकेत में पीछे की बात याद रखोगे तो आगे मेरी बात समझ में आई। ये बिगड़ा हुआ मन कोई एक जन्म का नहीं है, रजोगुण में, चेतना में रजोगुण के उत्कर्ष के कारण अहंकार इतना प्रचंड हो जाता है